بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي جنات اور شياطين کی इस हवाले से आज ये हमारा पहला सेशन है और हम इसमें कुछ कुरान और सुन्नत की रोशनी में ऑथेंटिक फैक्ट्स लर्न करेंगे इन कि हमें इस दुनिया के बारे में इस कायनात के बारे में कुरान करीम से और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदीत से जिन्नात की दुनिया के बारे में क्या चीज़ें या क्या बातें पता चलती हैं सबसे पहले हम आते हैं जिन नाम की तरफ़ कि इनको जिन क्यों कहा गया है और अरबी जबान में इसका जो रूट वर्ड बनता है वो जीम और नून है जिन से ये निकला है उलमाए के राम का ये कहना है कि जिन्नात और शयातिन की जो दुनिया है वो इंसानों और फरिश्तों की दुनिया और कायनात से मुख्तल है हम फातिहा में पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तमाम तारीफ़ें अल्लाह इज़्ज़त के लिए हैं जो तमाम जहानों का एक परवरदिगार है तो जिस तरह इंसानों का एक जहान है एक दुनिया है इसी तरह से फरिश्तों की एक दुनिया है इसी तरह से जिन्नात या शयातिन की एक दुनिया है तो ये जो लफ्ज़ जिन है इसका रूट वर्ड जीम और नून है और उलमाए कराम का ये कहना है जी डबल नून और जिन इनको इसलिए कहा गया है कि अरबी जबान में इस लफ्ज़ का मतलब है मख्फी पोशीदा मस्तूर पन्हा यानि छुपा हुआ जो हमें नजर नहीं आता एक ऐसी दुनिया जिसको हम देख नहीं सकते जिसको हम परसीव नहीं कर सकते और इसी हवाले से उनका कहना है कि अगर आप गौर कीजिए तो इस रूट वर्ड से हमारी इस दुनिया में कुछ और नाम भी लिए जाते हैं जिनमें यही मानी पाया जाता है कि मखफी है पोशीदा है छुपा हुआ है मिसाल के तौर पर जन्नत जन्नत को जन्नत इसलिए कहा गया है कि जन्नत घने दरख्तों और बागात में छुपी हुई है उसको जन्नत इसलिए कहा गया है और वो भी हमारी नजरों से पोषिदा रखी गई है इसी रूट वर्ड से एक और अरबी में इस्तेमाल होता है जबीन जनीन कहते हैं उस बच्चे को जो अभी अपनी डेवलपमेंट के फेजेस में है और अभी इस दुनिया में नहीं आया तो उसमें भी जीम और नून पाया जाता है क्योंकि वो हमारी नजरों से छुपा हुआ होता है जब उसकी अः पैदाइश का वक्त आता है तो फिर वो हमारी नजरों के सामने आता है इससे पहले वो बींग ह्यूमन बींग एग्जिस्ट कर रहा होता है लेकिन हमारी नजरों के सामने नहीं होता तो उसे जनीन कहा गया है तो ये है जिन्नात के नाम के हवाले से असलाक वह वरक बेटियाँ आई हैं ना आज <laughs> तो ये है जिन्नात के हवाले से कि उनका नाम जिन क्यों रखा गया है और इस हवाले सेलमा के किराम का ये कहना है कि अगली बहस जो हम देखेंगे वो ये है कि जिन्नात की का औरजन क्या है इनकी पैदाइश और तख्लीक कैसे हुई है और इस हवाले से हमें जो कुरान करीम से रहनुमाई मिलती है सूरत अल हिजर की आयत नंबर 27 में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं वल जानम खلقना من قبل من نار और हमने जन्नत को पैदा किया इससे पहले भसम कर डालने वाली आग से मिसेस जी भसम कर डालने वाली म्यूट नहीं किया आप म्यूट करें तो हमने जिन्नात को पैदा किया भसम कर देने वाली आग से और भसम कर देने वाली आग जिसको के असमूम कहा गया है ये वो है जो फौरन जला डालती है यानी एक इतनी ताकतवर आम आग के नस्बत ये कई गुना ताकतवर होती है और ये जो असमूम का लफ्ज़ है इसकी मजीद तश्री हजूर अक्रम सल्हसम अपनी एक हदीस में फरमाते हैं जिसमें आप सल्लासम का इर्शाद है दुनिया की ये आग हरारत और तासीर में शुम की आग का सत्तरवा हिस्सा है यानी शमूम एक ऐसी आग है जिसमें जलते ही चीज भसम हो खाक हो जाती है स्या हो जाती है कोयला बन जाती है जबकि हम जिस चीज जिस आग पे पकाते हैं उस पे पहले कच्चापन दूर होता है फिर रंग तब्दील होता है फिर एक खास पॉइंट पे जाके चीज पक के तैयार होती है तो ये जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है अल हैजर की आयत नंबर में वल मिन वो मिन लो मन्नारमूम और हमने भस्म कर डालने वाली आग से इससे पहले जिन्नात को पैदा किया यानी वो बहुत ही हाई जिसे कहते इंटेंसिटी की वो फायर है जिससे के और वो दुनिया की आग से सत्तर गुना ज्यादा ताकतवर डिग्री जो उसकी बनती है वहाँ से जिन्नात को पैदा किया गया उस आग से फिर इनके औरजिन के बारे में सूरत रहमान में अल्लाह रबुल्ज़त ने बातचीत की है वाहजान नमार जम्नार और हमने जिन्नात को आग के ख़ालस श से पैदा किया इसका मतलब है ये जो आग हम इस्तेमाल करते हैं ये खालिस नहीं है यह लो क्वालिटी की है तो इसकी आगे मजीद क्वालिटीज हैं यहाँ तक के ये ए ग्रेड पे जब जाके रुकती है तो ये अब्बास रजीला कहते हैं मतलब है शोले की लपट से और आयशा रजील तला कहती है अक्रम सल ने अपनी एक हदीस में इसकी मजीद तश्री करते हुए फरमाया खुलूर फरिश्तों की जो कायनात है उसमें फरिश्तों को नूर से पैदा किया गया व खुलजान न और जन्नात को आग के खालिश शोले से पैदा किया गया व खुल आदमा फलक उम और आदम अल-सलाम को उस मट्टी से पैदा किया गया जिसके बारे में तुम्हें बताया गया है सवाल ये पैदा होता है कि जन्नात की तख्लीक की इब्तदा क्या है कब इनको पैदा किया गया तो राम का यह कहना है कि कुरान करीम के मुाले से ये पता चलता है कि जिन्नात इंसानों से पहले पैदा किए गए थे ये पहले से मौजूद थे क्योंकि अल्लाह रब्बुल रबुल्ज़त ने हिजर की आयत नंबर 27 में फरमाया है और जिन्नात को हमने इससे पहले भसम कर डालने वाली आग से पैदा किया है बाजा ने बास, बास रवायात पर इहसार करते हुए कहा है कि ये इंसानों से तकरीबन दो हजार साल पहले पैदा किए गए थे ताहम ये रिवायात इतनी ओथेंटिक नहीं है कि इनको हम कोट कर सकें इसी तरह से राम का यह भी कहना है कि ये जो जिन्नात हैं अल्लाह रबुलजत की किताब यानी कुरान करीम के मुताले से पता चलता है और हजूर अक्रम सल की अहादीस के मुताले से पता चलता है कि इनकी भी एक बॉडी है लेकिन जाहिर है कि वो बॉडी हम इंसानों से वो जिसम मुख्तलिफ है इनके भी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स या पार्ट्स हैं मिसाल के तौर पर कुरान करीम के मुताले से पता चलता है इनके भी दिल हैं ये भी ग़ौर फिक्र की सलाहियतें रखते हैं और इनकी भी आंखें हैं और इनके भी कान हैं और ये कि इनकी भी जबान है और ये हमारी ज़बान को भी समझते हैं हमें उनकी ज़बान समझ में नहीं आती इसी तरह से इनकी भी आवाज़ें हैं यानी काफ़ी हद तक ह्यूमन बींग्स से रिजेंबलेंस भी है इनकी कि इनकी एक बॉडी होती है एक इनकी एग्जिस्टेंस महसूस होती है इनके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडीज हैं ऑर्गन्स हैं ये सुनते हैं ये देखते हैं इनकी आंखें हैं कान हैं लेकिन जाहिर है कि उसकी कैफियत के बारे में हमें बहुत ज़्यादा इल्म नहीं है जैसे हम कह सकते हैं कि फरिश्ते सुनते भी हैं अब क्या उनके कान हैं हमें उसकी कैफियत का इल्म नहीं क्योंकि हमने उनको देखा नहीं है फिर इसी तरह से सवाल ये पैदा होता है कि जिन्नात को तख्लीक करने की हिमत क्या है इंशाल्लाह एंड में आके हम बहुत डिटेल से भी इस पर बात करेंगे तो बेसिकली जिन्नात को तख्लीक अल्लाह ताला ने इसलिए किया ताकि हम इंसानों के लिए आजमाइश बन सके फितना है इम्तिहान है जिस तरह मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए इम्तिहान है आजमाइश की एक शक्ल है वालदैन और औलाद एक दूसरे का इम्तिहान है बराबर का इम्तिहान है क्या वालदे औलाद के हवाले से अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी कर रहे हैं या नहीं या औलाद अपने वालदेन के हवाले से अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करती है या नहीं तो इसी तरह से जिन्नात इंसानों के लिए फितना है और इम्तहान है ये अल्लाह रब्बुल रबुल्जत की तरफ से है लेकिन अभी हम इस पर मजीद डिटेल से थोड़ा आगे चल के बात करेंगे जहां तक शैतान के ओरिजिन का ताल्लुक है जब मैं शैतान कहती हूँ तो इससे मुराद मेरी यहाँ जिन्नात हैं और जिन्नात की कैटेगरीज हैं जिन्नात में से अच्छे भी हैं और जिन्नात में से बुरे भी हैं और जिन्नात में से जो बुरे तरीन हो जाते हैं जिनकी फितरत मस्क हो जाती है और जो बहुत ही शर के आखिरी दर्जे पर पहुंच जाते हैं उनको शयाकीन कहा जाता है तो ये जरा थोड़ा सा फर्क आप अपने जहन में रखिएगा अब जहां तक इनकी शक्लो सूरत की बात है तो अगेन कुरान करीम के मुताले से पता चलता है कि ये बहुत ही कबी तरीन बहुत ही बुरी शक्लो सूरत के मालिक हैं इनकी शक्ल और सूरत अमूमी तौर पर इतनी अच्छी नहीं है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में इनको शक्लो सूरत के अतबार से जकूम नामी उस दरख्त के फल से तशबीह दी है जो जहनम में जहन्नमियों को खुराक के लिए पेश किया जाएगा अब अगर आप जकूम की पिक्चर देखें तो वो एक बहुत ही बदशक्ल किस्म की तस्वीर है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको उससे तशबीह दी है और जी कुरान करीम में इसका मौजूद है रेफरेंस मैं चेक करके आपको बताती हूँ अब शैतान के बारे में एक और बात जो हमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या जिन्नात के बारे में पता चलती है सही मुस्लिम की रिवायत से और अब्दुल्लामर रजील तुम इसको बयान करते हैं कि इनके दो सींग भी होते हैं सरों पे अब वो कहाँ होते हैं किस तरह से होते हैं आगे या पीछे होते हैं या दाएं या बाएं होते हैं इसके बारे में कोई मुस्तनद रिवायात नहीं तहम इतना पता चलता है कि इनके सरों पे दो सींग भी होते हैं हजूर अक्रम सल वसम ने अपने सहाबा कराम से फरमाया कि जिस वक्त सूरज तुलू होता है और जिस वक्त गुरूब हो रहा होता है उस वक्त नमाज ना पढ़ो क्योंकि वो शैतान के दो सींगों के दरम्यान होता है और इसका मतलब ये है कि ने मक्का जो थे वो सूरज की इबादत किया करते थे और जिस वक्त सूरज طلوع हो रहा होता था उसको सजदा करते थे और जिस वक्त غروب हो रहा होता था उसको सजदा करते थे और शैतान ने उनके दिल में ये बात डाली कि आप इन اوقات में इबादत किया करें और वो खुद सूरज के सामने आ बैठता जिसके नतीजे में सूरज की इबादत के साथ-साथ मुशरिके ने मक्का दोहरे गुनाह का इर्तिकाब करते के शैतान की भी इबादत हो रही होती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर पर मुसलमानों को ये बात समझाई अपने सहाबा कराम रज़वानल्आ मजमाइन को ये बात समझाई कि जब ये दो औकात हो तो आपने इबादत नहीं करनी क्योंकि ये वो वक्त है जिसमें शैतान अपने पुजारियों को अपनी इबादत करने वालों को लेकर बैठता है और फिर अपनी इबादत उनसे करवाता है और उसके लिए उसने ये टेक्निक या स्ट्रैटी इख्तियार की जन्ात के वो नाम जो मशहूर हैं अरबों के यहाँ जरा थोड़ा सा उनके बारे में भी सीख लेते हैं अगर तो वो जिन हो जो कि खालिसतन जिन जब वो बात आम जबान में अपने कर रहे हो तो उसको वो जिन्नी कहते हैं इंसानी के मुकाबले में दूसरा नाम जो उनके यहाँ मशहूर है उनकी रवायात में वो जिन्नात जो इंसानों के साथ ही रहते हैं उनको वो आमिर कहते हैं आगे चल के हम सीखेंगे आज तो अभी हमारा पहला सेशन है कि ये जिन्नात हमारे इनमें से कुछ कस्में ऐसी हैं जो हर वक्त हमारे साथ भी होते हैं उनमें मोमिन जिन्नात या अच्छे खैर वाले जिन्नात भी हो सकते हैं और उनमें शर वाले जिन्नात के नुकसान पहुंचाने वाले भी हो सकते हैं जिन लोगों ने जिन्नात की वजह से फैलने वाली बीमारियों का इलाज किया है और हमारे कुछ उलमा अपने जाती तजर्बात की बुनियाद पर बयान करते हैं कि हर घर की छत के ऊपर जिन्नात रहते हैं यानी इंसानी बस्तियों में इंसानों के साथ मिलजुल कर भी रहते हैं और आप देखें कि जो घर की छत होती है वो वीरान तरीन जगह है जहां कोई नहीं जाता तो ये हर जगह पाए जाते हैं कुछ किस्में हैं जो इंसानों के साथ ही रहती हैं उनके घरों में घरों के अंदर भी रहती हैं घरों के बाहर भी रहती हैं और हर चीज में अपना हिस्सा भी ये वसूल करते हैं मिसाल के तौर पर जैसे आगे जाके हम देखेंगे कि अगर जिस खाने पर बिस्मिल्लामरिम न पड़ा जाए उस खाने में शैतान शामिल हो जाता है तो वो हमारे साथ कहीं रहता है इसी घर के अंदर या घर की छत पे तो जिन जो है वो खाने में भी शामिल हो जाता है और जाहिर है कि ये वो जिन है जो कि मुसलमान को नुकसान पहुंचाना चाहता है और उसके खाने को बेबरकती वाला खाना बनाना चाहता है तो जिनों की एक किस्म आमिर कहलाती है और ये वो किस्म है जो इंसानों के साथ ही रहते हैं घरों के अंदर वॉशरूम्स में भी ये पाए जाते हैं यही वजह है कि हमें सिखाया गया है कि दुआ पढ़ के वॉशरूम में जाएं और दुआ पढ़ के निकलें और अगर आप वॉशरूम में दाखिल होने की दुआ देखें तो उसमें यही है कि अल्लाह ताला हम तेरी पनाह मांगते हैं नापाक जिनों से और जिन्नी से मेल्स एंड फीमेल्स इसका मतलब है कि इनके यहाँ भी मेल्स हैं और फीमेल्स हैं और बच्चे भी हैं आगे जाके अभी हम इसकी मजीद डिटेल में जाएंगे थर्ड कैटेगरी या तीसरा नाम जो अरबों के यहाँ रवायात के मुताबिक मशहूर है वो जिन्नात हैं जो बच्चे जिन्नात हैं और ये मुसलमानों के या इंसानों के बच्चों के साथ खेलते भी हैं और इनको अरवाह कहा जाता है लेकिन ये सिर्फ उन छोटे बच्चों के साथ खेलते हैं जो अभी बोलने पर कुदरत नहीं रखते जैसे ही कोई बच्चा बोलने वाला एज में जाता है तो फिर ये उसको नज़र नहीं आते फिर ये उनके साथ खेलते भी नहीं हैं बहुत छोटे बच्चे जैसे डेढ़ पौने दो साल तक के बच्चे जो कि अभी बोल नहीं सकते बाज़ात मुमकिन है आपके एक्सपीरियंस में भी ये चीज आई हो कि आप छोटे बच्चे को हाथ के इशारे से किसी चीज़ से खेलता देखें लेकिन आपको वहां कुछ नज़र नहीं आ रहा और बच्चा हंस भी रहा है और बच्चा रिस्पॉन्स भी दे रहा है तो ये जन्नात की एक किस्म है जिसको वो अरवाह का कहते हैं और ये छोटे बच्चे होते हैं और ये छोटे बच्चों के साथ खेलते हैं ख़ासतौर पर उन बच्चों के साथ के जिनकी अभी बोलने का वक्त या उम्र नहीं आई फोर्थ कैटेगरी जो जिन्नात की मशहूर है उनके यहाँ उसको वो शैतान कहते हैं शैतान खबीस जिन है नापाक शर पसंद जो कि दूसरों को तंग करके खुश होता है दूसरों को अजियत और तकलीफ में मुबतला करके खुश होता है बनी आदम को नाकाम करके खुश होता है बनी आदम को ना दुनिया में तरक्की करते देख सकता है ना उसकी दुनिया बनते देख सकता है ना उसकी आखरत बनते देख सकता है तो ये शैतान है और इससे अगला दर्जा है पांचवा मारिद कहते हैं जो शैतानी और खबासत में सेकंड डिग्री पे चला जाए उसको फिर मारिद कहते हैं इंतहाई सरकश यानी वो उससे भी ज्यादा बुरा शैतान होता है जो आम लेवल पर शैतान कहलाता है छठे नंबर पर शैतान को इफ्रीत कहा जाता है शैतानी ताकत का आखिरी लेवल है और ये बहुत ही स्ट्रांग होते हैं और अल्लाह माफ़ करे अगर किसी के मुकद्दर में यह आजमाइश लिखी है कि उसे इफ़रीत नामी शैतान या जिन से वास्ता पड़े तो ऐसे शख्स की हालत बहुत बुरी होती है और इसकी मिसाल आगे चल केमा कराम ये कहते हैं कि अगर आप देखें कि जब हज़र सलेमानसम ने मलका सबा या जो बिल्किसी यमन में उनका तख्त मंगवाने की ख्वाहिश जाहिर की जिन ने कहा जो कि इफ्रीत वाली ताकत रखता था कि मैं पलक झपकते में यानी आज हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं है कि पलक झपकते में एक चीज दूसरी जगह से पहुंच जाए तो इससे आप उसकी ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं ये भी एक किस्म है जो कि जिन्नात की पाई जाती है या जो सामने आई है स्टडीज से एक्सप्लोर करके पता चली है और पता ये चलता है कि ये जो जिन्नात हैं ये अल्लाह के फरिश्तों और इंसानों और जानवरों के अलावा और पौधों के अलावा एक और दुनिया है कई दुनियाएं एग्जिस्ट कर रही हैं और शायद हमें उसका इदराक भी ना हो ऐसी ऐसी दुनियाएं पाई जाती हैं और ये अक्ल रखने वाली मखलूकत है पूरा सोच समझ के ये जन्नात और शयातीन अपनी स्ट्रेटजीज मुरतब करते हैं अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं और ये परसीव कर सकते हैं और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के उसी तरह से बंदे हैं जैसे हम इंसान अल्लाह की बंदगी के लिए पैदा किए गए हैं वमा खलक्तुल ख़ल वल इंस इल्ला अलियाबुदोन अल्लाह तला ने इनको अपनी इबादत के लिए पैदा किया हाँ जो इनमें से नेक हैं आज भी नेक हैं मौजूद हैं नेकी की महफिलों में शामिल होते हैं अच्छी जगहों पर पाए जाते हैं किसी को तकलीफ़ नहीं देते किसी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते अपनी एग्जिस्टेंस को शो नहीं करते और इनमें से जो बुरे हैं बहुत ही बुरे हैं जैसे इंसानों में मुख्तलिफ बुराई के दर्जे हैं कुछ कम बुरे हैं कुछ दरमियाने लेवल के बुरे हैं और कुछ हाई लेवल के बुरे हैं और इसी तरह से इनको भी अल्लाह रब्बुल रब्ज़त की तरफ से शरीयत के लिए मुखातिब किया गया है यानी इनमें से जो न एककमल करेंगे वो अल्लाह रब्बुल रब्ज़त के वादे के मुताबिक बेहतरीन अजर सवाब पाएंगे इस दुनिया में भी और आखरत में भी बिल्कुल जैसे हम इंसानों को अल्लाह ताला ने अपनी शरीयत का मुक़ल्लफ़ करार दिया है कि हम में से जो कोई भी नेक अमल करेगा अल्लाह ताला उसे दुनिया और आखरत में उसके अजर ववाब अता करेंगे अब आइए जरा कुरान करीम से सीखते हैं कि इन जन्ात के वजूद की दलील क्या है कि ये पाए जाते हैं अभी नहीं आज नहीं आगे चल के इनशा वो भी एक अलग किस्म है वो जो हम इंसानों के साथ रहते हैं उनमें फिर किस्में हैं उनमें से एक करीन है या हमजाद है अब यहाँ पर अगर हम कुरान करीम का मुताह करें और हजूर अक्रम सल की सुन्नतों का मुताया करें तो हम देखते हैं कि बहुत सारी आयात से और अहदीस से इनकी एग्जिस्टेंस का पता चलता है जैसे मैंने पीछे इनके ओरिजिन के हवाले से आयात आपके सामने रखी सूरतुल हिजर की भी और दूसरी भी और कुरान करीम में तो पूरी एक जिन है जिसमें कि अल्लाह रब्ज़त ने इनकी एग्जिस्टेंस को प्रूफ किया है और यह आलम्लब में आता है और हमारे ऊपर लाजिम है कि हम कुरान करीम के हवाले से इन पर इनके वजूद पर ईमान लाएँ और इनके वजूद का इनकार ना करें यहाँ इबन तैमिया रहमत फरमाते हैं कि इन जिन्नात को भी उसी तरह से अल्लाह रब्बुल रबुल्जत की शरीयत का मुक़ल्लफ़ बनाया गया है जिस तरह से इंसानों को बनाया गया है लिहाजा इनके लिए भी हलाल और हराम के दायरा कार हैं हाँ हमारे से मुख्तलिफ हो सकते हैं जैसे मिसाल के तौर पर हमारी हलाल खुराक और है जिन्नात की हलाल खुराक और है आगे चल के हम ये देखेंगे हमारे लिए जिस तरह हराम की हदूद अल्लाह तला ने मुतिन कर दी है और हमें कहा कि इसके करीब ना जाना इनकी कायनात में इनके हवाले से इनके परस्पेक्टिव में इनके लिए हराम को उसी तरह से डिस्क्राइब किया गया है तो इनके लिए भी शरीय है हमारे लिए भी शरीयत है इन्हें भी इबादत के लिए पैदा किया गया और हमें भी इबादत के लिए पैदा किया गया है अब यहां पर आते हैं अगले पॉइंट पे कि इनका खाना और पीना क्या है तो इस हवाले से हजूर अक्रम सल्हसम फरमाते हैं कि जब मुझसे जन्नात ने सवाल किया कि हमारी खुराक क्या होगी यानी हलाल खुराक क्या होगी अल्लाह का पैगाम तो आपने हमें पहुँचा दिया तो आप देखिए कि हजूर अकरम सल अल्लाहम उनके लिए जो कुछ बता रहे हैं वो हम मुसलमानों के लिए नहीं है आप सलीलसम ने उनको मुखातब करते हुए फरमाया कि तुम्हारे लिए हर वो हड्डी जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया है जैसे ही वो तुम्हारे हाथ में आएगी उस पर वाफर गोश्त आ जाएगा तो ये जिन्नात को मुखातिब करते हुए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी हलाल खुराक का दायरा कार मुतय्यन कर रहे हैं और साथ फरमाया कि ये जो हमारे जानवर हैं इनके जो गोबर हैं वो आपके जानवरों की खुराक है वो आपके जानवरों की खुराक है और इसी तरह से सुनन अतर्मजी में ये हदीस आती है और इसको शेख अलबानी रहमतुल्लाह ने सही करार दिया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबाए کرام को ये सिखाया कि तुम जानवरों के गोबर से इस्तंजा ना करो ना ही उनकी हड्डियों को पाकिजगी के लिए इस्तेमाल करो क्योंकि ये तुम्हारे भाई जिन्नात की खुराक है तो इससे हमें पता चला कि इनकी खुराक क्या है और इससे हमें यह भी पता चला कि किस तरह से हलाल और हराम की जो आ, उमूर हैं वो उनके लिए डिफरेंट हैं हमारे लिए हमारी कायनात के हवाले से डिफरेंट है और क्राम का कहना है कि ये भी जहन में रखें कि ये जो हजूर अक्रम उनकी खुराक के हवाले से उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं या बता रहे हैं इसका ताल्लुक़ हलाल ख़ुराक से है जो नापाक जिन और जन्त हैं वो सब कुछ खा जाते हैं हती कि वो हमारे साथ बैठ के हमारे खाने भी खा जाते हैं और हम समझते हैं कि खाना बहुत ज़्यादा बनाया था लेकिन कम पड़ गया तो इसकी वजह क्या है तो वो ताक में होते हैं वो किसी हदूद और कूद के पाबंद नहीं जैसे कुछ ऐसे मुसलमान भी पाए जाते हैं जो कहने को मुसलमान हैं लेकिन वो अपने आप को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हलाल और हराम हदूद के पास जाके नहीं रोकते इस बात की परवाह नहीं करते कि ये चीज़ हमारे दीन में मना है या इसका हुक्म दिया गया है तो हमने करना है या नहीं करना इसके मुकाबले में यानी जो गैर मुस्लिम जिन्नात हैं जो हलाल हराम की परवाह नहीं करते वो सब कुछ खा जाते हैं जो चीज़ जिन चीज़ों से रोका गया है वो भी हती के ये वही जन्नात हैं जो हमारे साथ खुराक में भी शामिल होते हैं अगर खुराक पे अल्लाह तला का नाम जो है वो ना लिया गया तो पढ़ खाना खाते वक्त बिस्मिल्लरा या बिस्मिल्लि व अला आलाबरक्ला हमें ज़रूर पढ़ लेना चाहिए रिवायात के मुताबिक क्या ये शादियां करते हैं आपस में अभी मैं इस बहस की तरफ नहीं आ रही कि क्या ये इंसानों के साथ शादियां करते हैं कि नहीं आपस में शादियां करते हैं क्या इनका निकाह होता है और क्या इनकी नस्ल आगे बढ़ती है तो इस हवाले से जो सही तरीन दलाइल हमारे पास हमारी शरीयत से आते हैं उससे पता चलता है कि ये आपस में शादियां करते हैं ज़रा मेल फीमेल जिन्नात मौजूद हैं तो इसका मतलब है कि इनकी आपस में शादियां भी होती हैं और ये इनकी औलाद में इजाफा भी होता है की 56 में फरमाते हैं, लम इन सुन वला जान। ये ऐसी खूबसूरत होंगी कि जिन्हें ना किसी इंसान ना जिन ने इससे पहले हाथ भी नहीं लगाया होगा किसी के इस्तेमाल में ये नहीं रही होंगी तो इससे पता चलता है कि जिन्नात भी आपस में एक दूसरे के साथ शादी करते हैं इनके यहां भी ये चीज पाई जाती है और इसका मतलब के हाँ ये जो लफ्ज तम्स है इसका मतलब शादी के बाद कायम होने वाला अजदवाजी ताल्लुक है यही वजह है कि जन्त की नस्ल भी आगे बढ़ती है और इसका जिक्र भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में फरमाया है मैं इसकी सूरत चेक नहीं कर सकी अफ़त तदू ना हो वह जुर्रियाू क्या तुम इसको और इसकी नस्ल को अलिया अमिनदूनी मुझे छोड़ के अपना वली बनाते हो शैतान और उसकी नस्ल को अपना वली बना रहे हो और मुझे छोड़ रहे हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंतहाई लॉजिकल वे में आर्ग्यू कर रहे हैं उन लोगों से जो अपनी ज़िंदगी में रहमान के पैरोकार नहीं बल्कि शैतान के पैरोकार बनने वाले हैं वहुम लकुम अदुवुन हालांकि ये सारे शैतान और इसकी नस्ल जिन्नात और इनकी नस्लें ये तुम्हारे दुश्मन हैं तो इसका मतलब है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पे बयान फरमा दिया कि इनकी नस्लें हैं इस हवाले से हुजूर अकरम से पता चलता है वो इंसानों से कहीं ज्यादा है और इस हवाले से रहमतुल्लाह अलैह आमिर अल्लाह तआला तन से रिवायत करते हैं कि आप वसल्लम ने फरमाया कि इज़्ज़त ने इंसानों और जन्नात की ग्रोथ की जो रेशो रखी है वो ये कि जब एक इंसानी बच्चा जन्म लेता है तो उससे पहले नौ जिन बच्चे जन्म ले चुके होते हैं तो वन नाइन की रेशो है यानी ये इतनी ज्यादा तादाद में है कि एक बच्चे के जन्म लेने तक अगले एक इंसानी बच्चे के जन्म लेने तक नाइन जिन्नात जन्म ले चुके होते हैं तो वन और नाइन की रेशो अगर देखी जाए तो जो, जो ग्रोथ रेट इनके यहाँ जो बर्थ रेट पाया जाता है वो कुछ इस तरह से है तो ये शादियां भी करते हैं आपस में और इनकी औलाद भी होती है और इनकी नस्लें भी आगे चलती हैं और इनकी नस्ल का जिक्र अल्लाह इज़्ज़त ने कुरान करीम में भी बयान किया है अब आते हैं अगली पॉइंट की तरफ जो हमें इनके बारे में पता चलता है इनकी उम्रें बहुत तवील होती हैं बहुत तवील उम्रों वाले जिन्नात भी पाए जाते हैं और जाहिर है कि चूंकि ये पैदा किए जाते हैं तो इनको मौत भी आती है ये क़दर इंसानों में और जन्ात में भी मुश्तरक है ताहम इंसानों की उम्रें छोटी हैं जबकि इनकी उम्रें बहुत हद तक तवील हैं अगरचे मुख्तलफ हैं फिक्स यहाँ भी नहीं है किसी जिन की उम्र अगर दो सौ साल है तो किसी जिन की उम्र पाँच हज़ार साल भी है किसी की चौदह सौ साल भी है और इस तरह से जो है वो इनकी उम्रें काफ़ी तवील होती हैं और देखिए कि इस हवाले से कुरने करीम में अल्लाह रबुल्ज़त ने इस चीज़ का जिक्र किया है हमारे पास सूरत रह, सूरत की है, हो जाना है इन शयातीन और जन्नात को भी मौत आकर रहेगी वह अब कावच हुरकजल जला राम और आखिर में एक वक्त आएगा जब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रबुल्जत की इंतहा बरकत वाली है और अजमत वाली है वो बाकी रह जाएगी तो ये भी इसी तरह से फना होते हैं और इनको भी मौत आती है लेकिन इनकी उम्र इंसानों की नस्बत तवील होती हैं और इनमें सबसे तवील तरीन उम्र एक जिन को दी गई और वो शैतान है सबसे ज्यादा तवील तरीन उम्र दी गई उसे क़्यामत तक मोहलत दी गई है क्योंकि उसने मांगी थी इब्लीस ने उसने कहा अल्लाह तला मुझे मोहलत अता कर दे यानी मुझे इतनी तवील उम्र दे दे कि आदम सलाम जिस दिन पैदा हुए उस दिन से लेके जब उसे कहा गया कि इनको सजदा करो और उसने इनकार किया उस दिन से लेके वाहिद एक जिन या शैतान ऐसा है कि जिससे जब तक क्यामत कायम नहीं हो जाती जिंदगी अता की जाएगी और यह तवील तरीन उम्र है किसी भी जिन की और शैतान की और उसने चूंकि खुद यह मोहलत मांगी थी हिजर की आयत नंबर थर्टी सिक्स से थर्टी सेवन के मुताबिक काल अरबी फनजुर्बास तला फिर मुझे मोहलत दे से मुराद क्या है मुझे तवील उम्र अदा कीजिए मैं अब बनी आदम की औलाद को नहीं छोड़ूंगा तो वो अपने लाओ लश्कर समेत अपनी नस्लों समेत मुकम्मल तौर पर और रेशो देखिए की रेशो बड़ी यानी अगर आर्मी की रेशो ये हो तो आप देखें कितनी बड़ी आर्मी और कितना कितनी बड़ी फौज और स्ट्रेंथ बनती है तो जरा आप उस जिन और उस शैतान की स्ट्रेंथ का अंदाजा लगाइए कि उम्र भी तवील है वो इस मार्के को ठंडा नहीं होने देता वो मुसलसल मीटिंग्स करके अपने वर्कर्स को तैयार करके अपनी आलौलाद को इंसानों पर पिल पड़ता है और वो मुसलसल उस दिन से ले कयामत तक जब तक क़यामत बरपा नहीं हो जाती उसे ये उम्र अदा की गई और ये किसी भी जिन की तवील तरीन उम्र है और उस वक्त तक ये इंसानों और मुसलमानों को उनके असल जिंदगी के मकसद से हटाता जाएगा खालाफ इमिन अल्लाह तला ने फरमाया जो तुमने मांगा मैं तुम्हें अता करता हूँ तो उसने वो तवील उम्र भी मांगी कजी के लिए सरकशी के लिए और बनी आदम को नुकसान पहुंचाने के लिए तंग करने के लिए तो ये बात हमें अच्छी तरह से जहन में रखनी चाहिए जब भी शैतान की तरफ से कोई ख्याल आए कि यह हमारा ख़ैर नहीं है हमारी ख़ैर सिर्फ़ अल्लाह इज़्ज़त की ज़ात है अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि ये जो जिन्नात और शयातीन हैं ये कहाँ रहते हैं इनके रहने की जगह कहाँ है तो इस हवाले से ओलमाए के राम का ये कहना है कि ये इसी रूए ज़मीन पर रहते हैं ये किसी अलग दुनिया में फ़रिश्तों की तरह नहीं रहते जैसे फरिश्तों की जो दुनिया है वो अलग है ग़ैब में रहते हैं वहाँ से इस दुनिया में उनका नज़ूल होता है जबकि ऐसा नहीं है जिन्नात और शैयातिन जब हज़रत आदम साम को इस जगह उतारा गया था और वो ऊपर से नीचे आए थे तो जन्नात और जिन और शैतान को भी साथ ही उतार दिया गया था और वो पहले से यहाँ रहते भी थे इस दुनिया से उनका पहले से ताल्लुक था हजरत आदम सलाम से पहले लिहाजा वो अगर मोमिन जिन्नात हैं तो हर अच्छी जगह पे रहते हैं हर अच्छी महफिल का हिस्सा होते हैं लेकिन वो अपनी प्रेजेंस को अपनी एग्जिस्टेंस को शो नहीं करते पता नहीं चलने देते जबकि उसके मुकाबले में जो बुरे जिन्नात होते हैं और जो कुफार जिन्नात होते हैं और जो अल्लाह तला के नाफरमान जिन्नात होते हैं उसमें फिर डिग्रीज हैं शेड्स हैं तो वो कहाँ रहते हैं बाजारों में रहते हैं कब्रस्तानों में रहते हैं बैतुलखला में रहते हैं गंदे घरों में रहते हैं जिन घरों से बदबू आती हो जहाँ सफाई का अहतमाम ना होता हो अंधेरी जगहों पर रहते हैं अजान की जो इनकी होती है ना अजान की आवाज ये उससे बड़ा भागते हैं बड़े खुशकस्मत हैं वो घराने जो मस्जिद के करीब हो और वहां अजान की आवाज जाती हो अल्लाह ताला ने एक उनको नेमत अदा कर दी कि अब उनका घर जो है वो अः अजान की वजह से जिन्नात और शयातीन से महफूज हो जाएगा तो ये ऐसी जगहों से भागते हैं जो बुरे और नापाक और शरीर और नुकसान पहुंचाने वाले जिन्नात होते हैं जहां पर अजान की आवाज जाती हो मुबारक में इनको जकड़ दिया जाता है जिस घर में सूरत बकरा की तिलावत की जाती हो ये नापाक जिन्नात और शरीर जिन्नात और शयातीन वहां से भाग जाते हैं और जिस घर में बिस्मिल्लाह पढ़ के खाने का आगाज किया जाता हो वहां से भी भाग जाते हैं और ये आधे साए और आधे धूप में बैठने को पसंद करते हैं तो बाजारों में ये कसरत से रहते हैं और आप देखें बाजारों में नापाक जिन्नात रहते हैं अल्लाह तला के नाफरमान जन्नत रहते हैं शयातीन इफ़्रीद, ये वहां रहते हैं और ये वो जन्नत होते हैं जो बाजारों में सबसे ज्यादा अल्लाह तला की नाफरमानियां करवाते हैं इंसानों से ये जहां भी होते हैं फारग नहीं रहते ये कुछ सोच समझ के किसी घर में दाखिल होते हैं प्लान करके दाखिल होते हैं सोच समझ के ऐसी जगहों पे रहते हैं तो ये जितनी नापसंदीदा जगह हैं जो अल्लाह ताला को ये वहां पर होते हैं कब्रस्तानों में होते हैं वीरान जंगलों में होते हैं घरों की छतों पर रहते हैं और इस हवाले से हमारे लिए जो सबसे महफूज तरीन चीज है जो हमें सिखाई गई है सुबह शाम के असकार हैं उनका अहतमाम कर लिया जाए तो ना सिर्फ जन्त और शयातीन बल्कि पता नहीं अल्लाह इज़्ज़त की और कौन सी ईज़ा पहुंचाने वाली तकलीफ पहुँचाने वाली मख़लूकात है कि जिससे अल्लाह ताला हमें बचा लेते हैं तो सुबह शाम के अस्कार का कामाम करना चाहिए घरों के अंदर बसमन पढ़ के खास तौर पर खाना खाना चाहिए बिस्तर पर आने की दुआ दुआओं का अहमाम जितना मसनून दुआओं का अहतमाम हमारी जिंदगी में ज्यादा होगा जितना अल्लाह तला का ज्यादा होगा ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे ये कमजोर हो जाते हैं और घरों में इंटेंशनली फातिहा की तिलावत लगाइए या सुनिए काम करते हुए मोबाइल पर ऑन कर लीजिए रोज की पच्चीस आयतें भी बेशक आप लगा लें और दरमियान में एक दो दिन नागा भी हो जाए तो कोई हरज नहीं क्योंकि हदीस में है जिस घर में सूरतुल्बरा की तिलावत होती है वहां तीन दिन तक फिर जिन और शैतान करीब नहीं आ सकते तो अपनी अगली नस्लों की हिफाजत के लिए और अपने घर वालों की हिफाजत के लिए रात को सोने से पहले सूरतुल बकरा की आखिरी दो आयतों की तिलावत को अच्छी तरह से अपने घर वालों को सिखाइए सहाबा कर रसवान मजमाइन फरमाते हैं कि जब हमें सूरतुल बकरा की आखिरी दो आयतों की ताकत और क़ुत का पता चला तो हम में से कोई शख्स ऐसा नहीं था और हमने अपने घर वालों को भी जाके सिखाया क्योंकि वो आखिरी दो आयतें हिदायत गुमराही गुमराही से भी बचाती हैं फितने से भी बचाती हैं हर तरह की खैर और बरकत का बायस है और अर्श के ख़जानों में से एक ख़जाना है और वो शयातीन भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते बकरा का मुकाबला जादूगर भी नहीं कर सकते इसके सामने शैतान न सिर्फ कमज़ोर पड़ जाते हैं बल्कि उस घर से भाग जाते हैं फरार हासिल कर लेते हैं जिस घर में बकरा की तिलावत होती हो या अल्लाह तला के जिक्र होता हो तो ये वो जगह हैं कि जहाँ पर ये पाए जाते हैं अरबों के यहाँ स्टडीज के बाद उन्होंने जिन्नात को तीन कैटेगरीज में तकसीम किया है पहले नंबर पर जो कैटेगरी है ताकतवर तरीन ये आफारीत या फ्रीत कहलाते हैं ये गैर मामूली सलाहियतों के मालिक जिन्नात होते हैं तादाद में गर्चे ये कम है जैसे बाजा इंसानों में भी ऐसे यूनिक और एक्स्ट्राऑर्डनरी लेवल की पर्सनैलिटीज़ होती हैं जिन्हें अल्लाह तला ने आम इंसानों से ज़्यादा ब्लैस किया होता है तो ये ताकत और क़वत और अकली सलाहियतों के अतबार से आफ़ारीत या इफरीत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लेवल के जन्ात होते हैं और इनमें से एक इफरीत था कि जिसने हज़र सलाम से ये जिम्मेदारी ली कि मैं मलिक बिल्किस का जो अर्श है वो फ़लस्तीन पहुँचा देता हूँ यमन से और पलक झपकते में ऐसा करूँगा इससे आप इनकी ताकत का अंदाज़ा लगा सकते हैं और इसका जिक्र सूरत नमल की आयत नंबर थर्टी नाइन में अल्ला रबुल्ज़त ने कुरान करीम में भी बयान किया कि पलक झपकते में एक अनतहाई भारी भरकम चीज़ कैसे उठा के एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने की उसने जिम्मेदारी ली दूसरी जो कैटेगरी है जन्नात या शयातीन की या जन्नात की ये अलज्नकबुल कहलाते हैं ये बेवकूफ़ और कमकल होते हैं आप इन्हें बिलो एवरेज कह सकते हैं और ये वो जन्नात और शयातीन हैं जो कि बनी आदम को अजीयत पहुंचाते हैं उनको चिमट जाते हैं खुद भी अजियत में मुब्तला होते हैं आपको पता है कि जब किसी पर जिन का असर हो और उसे कुरान सुनाया जाए तो फिर ये चीखते हैं लेकिन वो कम कमल होते हैं ना और कम अक़ल इंसान ही हमेशा गलत रास्ते का इंतार करता है तो ये बिलो एवरेज किस्म की अक़ल रखने वाले और क़ुत रखने वाले जन्त और शयातीन होते हैं और ये बनी आदम को हर तरह से अजीयत पहुँचाने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं हमारे इर्द गिर्द हमारे घरों में हर जगह मौजूद हैं अगर हम सुबह शाम के असकार पढ़ते हैं सूरतबरा की आखिरी दो आयतें मिनिमम रात को पढ़ के सोते हैं और बसमिल्ला कह के हम अपना खाना खाते हैं तो फिर इनका भी जोर टूट जाता है फिर इनके अंदर भी क़ुत नहीं रहती है कमजोर पड़ जाते हैं और शैतान या जिनको कमज़ोर करने का एक ही हल है कि अल्लाह ताला के जिक्र को अपनी जबान पे जारी रखा जाए और ख़ास तौर पर सुबह शाम के असकार और रात को सोते वक्त सूरतुल बकरा की आखिरी दो आयतों की तिलावत कर ली जाए तीसरी कैटेगरी जन्नात की अलगैलान कहलाता है ये उल उनकी जमा है और ये जादूगर जन्नत हैं इन जादूगर जन्नत को पामिस्ट्री के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है इल्म गैब की ख़बरें लाने के लिए चोरी का सुराग लगाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है ये जादूगर जन्ात होते हैं मुख्तलफ़ शक्लें इख्तियार कर सकते हैं और ये इंसानों पर कभी कभार जाहिर भी हो जाते हैं जब अल्लाह का जिक्र किया जाए तो ये कमजोर पड़ के वहां से फरार हो जाते हैं अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालसम अपनी एक हदीस में फरमाते हैं जब तुम अपने ऊपर इन जादूगर शयातीन ये है ही जादूगरों की कैटेगरी जैसे इंसानों में जादूगर होते हैं पामिस्ट्री के जो माहिर हैं हाथ देख के आपकी जिंदगी के बारे में बताने वाले तोते की फाल निकालने वाले और आपसे काला बकरा मंगवा के और आपके जिस्म के साथ लगने वाली शर्ट मंगवा के जादू करने वाले तो असल में होता क्या है कि इंसान जादूगर और जिन्नात या शयातीन जादूगर आपस में मिलकर ये काम करते हैं और ये एक कैटेगरी है उनमें से और ये सेकंड थर्ड टाइप की कैटेगरी है तो आप सल्लासम फरमाते हैं कि जब तुम तो अपने ऊपर जादूगर शयातीन या जिन्नात का असर महसूस करो तो फौरन अजान दो और हमारे सालहिन की आदत थी जब कभी उन्हें खौफ महसूस होता कैसे खौफ महसूस होता आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा हर एक के साथ ये होता है आप कमरे में अकेले बैठे हैं आप पढ़ रहे हैं अचानक आपको लगा यहां से कोई गुजर के गया है खौफ जदा हो गए पढ़ाई रुक गई उस वक्त कुछ ना करें रुके नहीं आप फौरन अज़ान के कलेमात दोहराना शुरू कर दें उस वक्त का यह जिक्र है उसने वाकई आपको डराने की कोशिश की है खास तौर पर वो बच्चे बच्चियां जो रात को जाक के लेट नाइट स्टडी करते हैं वो इसको जरूर एक्सपीरियंस करेंगे रात दो बजे का जब टाइम होता है और मैं खुद अपनी स्टूडेंट लाइफ में जब पढ़ा करती थी तो मैंने देखा कि उस वक्त आपको अपने पलक झपकने की भी आवाज़ आती है ऐसी मैंने कई रातें अपनी जिंदगी में गुजारी हैं पढ़ने लिखने के लिए तो उस वक्त वो वक्त होता है कि जब ये डरा देते हैं खौफ जदा करते हैं या उस वक्त जब आप अपने कमरे में अकेले हैं यही वजह है कि हमारी शरीय ने हमें सिखाया है कि अकेले ना सोएं अकेले सफर ना करें हमेशा एक साथ होना चाहिए और एक को लीडर बना लें और एक फॉलोअर बन जाए तो कितना ऑर्गेनाइज्ड वे में जिंदगी गुजारना हमारे दीन ने हमें सिखाया है बाजत आप बैठे हैं और आपको अचानक लगता है और आप घर में अकेले हैं आपको महसूस होता है कि जैसे साथ वाले कमरे में आपके घर वाले बातें कर रहे हैं जबकि वो तो बाहर गए हुए हैं तो घबरा जाता है इंसान ये जन्नात और शयातीन के डराने की और जादूगर शयातीन के डराने की मुख्तलिफ शें हैं ख्वाबों में आके डराना जागते में डराना घर वालों की चीजें इधर से उधर रख देना ताकि ये आपस में झगड़े जिस पर बहन भाई छोटे बच्चे लड़ पड़ते हैं एक दूसरे से कि तुमने मेरी पेंसिलें उठा के अपने बोर्ड पे रख ली मेरे अपने टेबल पे रख ली मेरी फला चीज यहां से वहां कैसे पहुंच गई तो ये सारे काम जन्नात और शयातीन बनी आदम को अजियत पहुंचाने के लिए करते हैं खौफ में मुबतला करते हैं काम करते करते अचानक आपको लगा जैसे आपके पीछे कुछ चल रहा था वो वाकई चल रहा था तो जब खौफ महसूस हो तो उसका एक ही हल है कि फौरी तौर पर या तो सूरत और सूरत की तिलावत शुरू कर दीजिए या फिर मसनून तरीका कार है कि अजान के, के कलेम दोहराने शुरू कर दें थोड़ी ही देर में आपका खौफ ज़ाइल हो जाएगा और ऊँची आवाज में कर लें जैसे आप जिक्र करते हैं या हल्की आवाज में कर लें लेकिन अगर आप इसको इग्नोर करेंगे तो ये अगले लम्हे अगले लेवल के ड्रावे पर आपके साथ काम करेंगे क्योंकि आपके दिल में वो बात बैठ गई आपने सूरतुलफलक और सूरतनास नहीं पढ़ी, या अजान के अल्फाज को नहीं दोहराया तो अब अगली दफा चंद दिन बाद फिर कोई और इंसिडेंट आपके साथ होगा आपको लगेगा जैसे कमरे में कोई चल रहा है और उसके पाओं की सरसराहट आप महसूस कर रहे हैं ये सब चीजें बिल्कुल ठीक है और ये जिन्नात और शयातीन बनी आदम को डराने के लिए चूंकि वो दुश्मनी हर हाल में करना चाहते हैं खौफजदा करने के लिए वो ये हरबे और ये तरीके इख्तियार करते हैं तो इसका हल हुजूर अकरम हजूर वाले सल हमें ये बताते हैं कि जब तुम जादूगर शयातीन का असर अपने ऊपर महसूस करो तो अजान दो अब ये जादूगर शयातीन बस्तियों में फैले हुए हैं इंसानों के साथ इनका कनेक्शन होता है पूरा नेटवर्क कायम होता है बादज अवकात अपने बिजनेस को चमकाने के लिए भी इनका आपस में कनेक्शन होता है ये जादूगर जिन्नात और शयातीन बस्ती में फैल के लोगों को बीमार करते हैं खौफजदा करते हैं फिर उनके दिमागों में डालते हैं कि अब तुम इलाज के लिए फला के पास जाओ और उसको पे करो और फिर इलाज के नाम पर उससे नाफरमानिया करवाते हैं कि काला बकरा काट के लेके जाओ और जादू का इस्तेमाल करवाते हैं ताकि किसी ना किसी शक्ल में बनी आदम को घेर घार के अल्लाह तला की नाफरमानी के रस्ते पर लाया जाए तो ये हैं वो चंद फैक्ट्स जो आज के सेशन में मैं आपके साथ जिन्नात और शयातीन के हवाले से शेयर करना चाहती थी अभी हमारी ये बहस ख़त्म नहीं हुई इन हम इसको अगली दफा कंटिन्यू करेंगे और मजीद कुरान और सुन्नत से सीखेंगे कि ये जन्नात और शयातिन क्या हैं इनके बारे में हमें मज़ीद क्या फ़ैक्ट्स पता चलते हैं अल्लाह रब्बुल रब्ल से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें तो़ी कतः फ़रमाएं कि हम उसके दीन को सीखें ताकि इससे हमारे अमल में हमारी सोच में निखार पैदा हो और हम इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करें और इसके लिए भी अल्लाह रब्ज़त हमें तोफ़ी क़त फ़रमाएं सुबह न कल्ला वमदिका अशहद वंता वतुबालाई Mm-hmm. Hey, 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 hey.